अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम कर रहे हैं बारबेक्यू। मटन की छोटी छोटी बोटियाँ करवा ली, इसमें अदरक लहसुन डालेंगे, एक चम्मच डालना अदरक लहसुन, और ये टिक्का बोटी का मसाला है। ये 1 किलो मटन है तो इसमें बस हिसाब से आपने मसाला डाल लेना है जो बाजार का मिलता है। नींबू डालें, 2 लेमन डालेंगे इसमें, और अब हम जो है प्राउन्स पे मसाला लगा लेंगे। अच्छे तरीके से मैंने इसे प्राउन्स को वॉश कर लिया था, थोड़ा सा नमक लगा के रख दिया था पहले, फिर मैंने इसे वॉश कर लिया। अब इसमें चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, टर्मरिक और कोरिएंडर पाउडर के साथ थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 2 ये लेमन जो रखे हुए हैं ये इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे मैं मैरिनेशन का टाइम नहीं दे रही हूँ, इसको रेस्ट नहीं दूँगी, तो आप इसे चाहे तो रस दे सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं। तो अब इसे जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें मैं डाल दूँगी। और ये जो हमारा यहाँ पर दोनों चीज़ों की मैरिनेशन अच्छी तरीके से हो गई, ब्राउन की भी और मटन रोटी की भी, और ये जो है ज़बरदस्त से ब्राउन है, मैं सीखों पर लगा दी। माशाल्लाह ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और यहाँ ये साथ मटन बोटी भी लग चुकी है। और ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है डिलीशियस ब्राउन और मटन बोटी रेडी है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप घर बनाएं, इंजॉय करें। और बारबेक्यू की ये है जी हमारी फाइनल लुक रेसिपी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो, सिंपल सी रेसिपी थी, तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।